हेलो दोस्तों, मैं शेख मिराज। इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ, युद्ध विराम की घोषणा की गई और इस तरह से लगभग डेढ़ महीने से चल रहा युद्ध कुछ दिनों के लिए जो है तो रुक गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस युद्ध विराम के पीछे क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को कैसे पूरा करने वाले हैं और ये जो सीज फायर हुआ तो ये किन देशों की मध्यस्थता से ये हुआ है, ये सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के बीच में जंग शुरू है। रोज जो है तो एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी बमबारी शुरू थी और लगभग डेढ़ महीने के बाद जो है तो ये बुधवार के दिन सीज फायर की घोषणा की गई। और ये सीज फायर या युद्ध विराम कराने के पीछे कतर, इजिप्त और अमेरिका, इन तीन देशों की इम्पोर्टेंट भूमिका है। जो तीनों देशों ने मध्यस्थता की और इसराइल और हमास के बीच में कुछ शर्तों के तहत सीज फायर किया गया। ये सीज फायर सिर्फ 4 दिनों के लिए है और हो सकता आगे जो है तो ये बढ़ भी सकता है। और इन 4 दिनों के बीच में इसराइल और हमास, इनकी जो शर्तें हैं उनको पूरा करना है। और इन 4 दिनों के अंदर गाजा स्ट्रीप में गाजा के जो लोग हैं, जो जख्मी है, जो पीड़ित है, जिनका घर वगैरह जो है तो बर्बाद हो गए, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, ये सभी चीज़ें जो है तो इन 4 दिनों के बीच में उनको जो है तो सप्लाई की जाएगी। अब ये सीज फायर तो हुआ, लेकिन सीज फायर भी जो है तो शर्तों के बदौलत हुआ। कुछ शर्तें इसमें रखी गई है, जिसमें शर्तें ये थी कि लगभग डेढ़ महीना ये युद्ध चला और दोनों भी, हमास भी और इसराइल भी जो है तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, विशेषकर इसराइल। इसराइल को इतना घमंड था अपनी ताकत पर, सैन्य बल पर, सैन्य शक्ति पर, उसके बाद सैन्य शक्ति भी है ज़्यादा, उसको इतना यकीन था, भरोसा था कि मैं जो है तो सैन्य ताकत के बलबूते पर, गोलाबारी के बलबूते पर जो है तो जितने हमास के पास जितने बंदी बनाए गए लोग हैं उन सभी लोगों को मैं छुड़वा भी लूँगा और गाजा पट्टी में जितने भी हमास के लड़ाक हुए इन सबका खात्मा भी कर दूँगा। लेकिन लगभग डेढ़ महीने के बाद, 46 दिन के बाद भी जो है तो इसराइल पूरा असफल रहा, ना तो वो बंधकों को छुड़ा सका, ना ही हमास के लड़ाकों को समाप्त कर सका। उल्टा उसका ही नुकसान जो है तो ज़्यादा हुआ, जिन हथियारों पे उसको ज़्यादा भरोसा था, जैसे मरकावा टैंक वगैरह, इन सभी टैंकों को भी जो है तो हमास के लड़ाकों ने बर्बाद किया है। दोनों को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल को भी जो है तो काफ़ी नुकसान हुआ इसमें, क्योंकि इसराइल की और हमास की अगर हम तुलना करते हैं तो इसराइल हमास से बहुत शक्तिशाली, उसके पास हर सभी तरह के हथियार, फाइटर प्लेन, हर चीज़ उसके पास है और हमास के लड़ाकों के पास छोटी मोटी मिसाइल और बंदूकों के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसराइल को पूरा सपोर्ट है अमेरिका के हथियारों का, और ये दोनों भी सुपर पावर जो कही जाती है, अमेरिका भी सुपर पावर है और इसराइल भी सुपर पावर है, और ये दोनों भी सुपर पावर मिलकर 46 दिन लड़ने के बाद हमास को हराने में नाकाम रहे। और आखिर में जो है तो इसराइल को शर्तें माननी पड़ी और सीज फायर के लिए उसको तैयार होना पड़ा। इसके पीछे का कारण है, सबसे पहले हमास ने जो 250 लोग बंदी बनाए हैं, जब इसराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था उस फेस्टिवल के दरमियान हमास के लड़ाकू पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आए और वहाँ से जो है तो लगभग 250 लोगों को उन्होंने जो है तो बंदी बना लिया और अपने साथ जो है तो गाजा में ले गए और उनको जो है तो वहाँ पर बंदी बनाया गया। और उनको छुड़ाने के लिए अब जो है तो इसराइल को शर्तें मानना पड़ी। अब ये शर्तें क्या हैं, अब ये देखेंगे हम। तो ये सीज फायर 4 दिनों का है और इन 4 दिनों में इसराइल के 250 बंधक हमास के पास है और इसराइल के कैद में 150 फिलिस्तीनी नागरिक है, तो उनकी अदला बदली होने वाली है। हमास ने कहा है कि आप फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ो तो इसराइली बंधकों को छोड़ेंगे। और इस तरह से इसमें ये बात तय की गई, हर रोज हमास 10 इजरायली बंदियों को छोड़ेगा और उसके बदले 30 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ा जाएगा और ऐसा हर रोज जो है तो चलेगा। हमास ने सिर्फ 50 इजरायली बंदियों को छोड़ने की घोषणा की, मतलब हमास सिर्फ 50 ही इजरायल नागरिकों को छोड़ेगा, लेकिन इसराइल को जो है तो 150 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ना है। और इस तरह से ये 4 दिन में किया जाएगा। गुरुवार के दिन ही फिलिस्तीन और इसराइल के कैदियों का एक्सचेंज, ये कैदियों की बदली की जा सकती है। और इसमें एक बात ये भी है कि इसराइल ने जो है तो सिर्फ 50 इजरायली बंदियों के बदले 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ने वाला है। इस शर्त को मानने में इसराइल को तैयार होना पड़ा, उसके पीछे भी जो है तो काफ़ी दबाव तैयार किया गया था। पूरे दुनिया में इसराइल के खिलाफ विरोध हो रहा था और विशेषकर जो लोग बंदी बनाए थे हमास ने, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी जो है तो इसराइल सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया था। और हमास के पास सिर्फ इसराइल के ही नागरिक बंदी नहीं थे, उसके साथ साथ जो है तो दूसरे देशों के भी कुछ नागरिक उसमें बंदी थे।
और फिर ये सब दबाव बढ़ने के बाद आखिर इसराइल के पीएम को जो है तो पीछे आना पड़ा और हमास की शर्तों को उनको मानना पड़ा। दूसरी बात, 46 दिन डेढ़ महीना उन्होंने लड़कर भी देखे, लड़ने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो समझ गए कि लड़ने से जो है तो ये कुछ बंदी छूटेंगे नहीं, तो उनको शर्तें माननी ही पड़ी। क्योंकि डेढ़ महीना लड़ने के बाद भी इसराइल की आर्मी एक भी इजरायली नागरिक को या बंदी को छुड़ा न सकी। सिर्फ 4 महिलाओं को छोड़ा गया, तो वो भी हमास ने खुद छोड़ा मानवता के आधार पर, नहीं तो इसराइल एक भी नहीं छुड़ा पाया। इसलिए उसको ये सभी शर्तें जो है तो माननी पड़ी। इसमें एक बात ये भी है, इसराइल ने 50 इजरायली नागरिकों के बदले 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने की शर्त मानी है। अब हमास के पास 250 बंदी है और हमास सिर्फ 50 ही छोड़ने वाला है, और 50 के बदले 150 फिलिस्तीनी को वो लेने वाला है, तो बचे 200 नागरिक का क्या होगा, 200 इजरायली नागरिक का क्या होगा? तो ये जो 200 नागरिक अभी बंदी रहेंगे हमास के पास, तो उनके परिजन, उनके रिश्तेदार भी फिर अब जो है तो गवर्नमेंट पर, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों का या हमारे घर वालों का अब क्या होगा। तो इस तरह से ये 4 दिन का सीज फायर है, और ये 4 दिन के सीज फायर में जो है तो ये सब शर्तें पूरी की जाएगी, और जो बचे 200 नागरिक है उसके बदले में कुछ हमास की शर्तें होंगी, और उन शर्तों के बदले वो जो तो हर दिन 10-10 ऐसे छोड़ेगा, और ऐसे में लगभग 2-3 महीने उसको पूरे लग जाएंगे। अब आखिरी में बात ये की करेंगे कि डेढ़ महीना लड़ाई करने के बाद भी, जंग लड़ने के बाद में आखिर जीता कौन? तो अभी तक के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग हमास तो इसराइल के सामने कुछ भी नहीं है, अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन आज जो है तो हमास की ही जीत हुई, क्योंकि 50 इजरायली नागरिक के बदले वो 150 को फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करा रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ी शर्तें जो है तो हमास ने रखी थी, और वो शर्तों को आखिर इसराइल को मानना पड़ा, हमास के सामने उसको झुकना पड़ा। इसका मतलब है कि हमास ही जो है तो आज इसराइल को भारी पड़ा, या इस जंग में वो अभी तक तो जो है तो जीत गया है, और अमेरिका जैसे, इसराइल जैसे पावरफुल सुपर पावर देश को, सैन्य को उसने जो है तो घुटनों पर लाकर खड़ा किया है। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।